Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer at biology in Government Girls Senior Secondary School, Kurali, District SAS Nagar. Students, today we are going to start the next chapter, that is chapter 10, and its name is Cell Division and Cell Cycle. Students, we all know that all living things, they are made from the cell. And cell is the structural and functional unit of life. So, जो बच्चे continuity of life है, ये बहुत ही important characteristic feature है living organisms का. और continuity of life किससे होती है? Reproduction से होती है. हमने ये भी पढ़ा कि reproduction two types का होता है. या तो living organisms asexual method से reproduce करते हैं, या sexually reproduce करते हैं. ठीक है, सो दोनों ही मेथड में क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड करता है, रेप्लिकेशन होता है, और इससे जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जो है वो होती है. इवन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो भी किससे डिपेंड करता है? ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सेल्स पे ही डिपेंड करता है. अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल होता है या मदर सेल होता है, वो डिवाइड करता है और टू और मोर सेल्स बनाता है. और अगर आप ह्यूमंस को देखते हैं या दूसरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो हम सब जो हैं वो कहाँ से बने हैं? हम सब की फॉर्मेशन कहाँ से होती है? जाइगोट से होती है. ठीक है, और जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है. सो जाइगोट जो है वो डिवाइड करता रहता है, उसमें सेल डिवीजन होती है, और हम अडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड सेल डिवीजन. तो सेल जो है, जब सेल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो उसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. सेल ग्रो कर रहा है, उसके बाद सेल डिवाइड करता है. तो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं विच अकर ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन्स, ये सारे जो चेंजेस हैं इनको हम बोलते हैं सेल साइकल्स. सो टूडेज चैप्टर इज सेल डिविजन एंड सेल साइकिल. ओके स्टूडेंट्स, so what is cell cycle? Most cells in an organisms go through a cycle of growth, just now I explained to you, and development and division. This is known as cell cycle. Even बच्चे एक बात मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कई बार हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जैसे कई बार हम कुछ काम कर रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, तो कई बार हमें कोई इंजरी हो जाती है, कोई वूंड हो जाता है, तो हम उसको साफ़ करते हैं, उस पर कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो कुछ डेज के बाद हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो वूंड जो है इट्स गॉन. तो वो कहाँ चला गया? इसका मतलब वहाँ पे जो सेल होते हैं, वो सेल जो हैं, कोई इंजरी है तो सेल जो हैं उस वहाँ पे ग्रो करते हैं. प्रोसेस ऑफ जो रिपेयर हो रहा है, वो रीजनरेशन हो रहा है, वो भी हमारे सेल करते हैं. ठीक है, सो इसको हम सेल डिवीजन कहते हैं कि सेल डिवाइड कर रहा है, वो अपनी कॉपीज़ बना रहा है, और ये सारे फंक्शंस जो है, हमारा ग्रोथ हो रहा है या कोई रिपेयर मैकेनिज्म हो रही है बॉडी में, सो ये हम डिफरेंट जो हैं इसके सारे स्टेप्स हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे. सो सेल साइकिल जो है वो क्या कर रहा है? इट हेल्प्स टू ग्रो एंड डेवलपमेंट. जो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है और वो जो डेवलप हो रहा है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सेल साइकिल. एंड सेल साइकिल, आई जस्ट नॉट टोल्ड यू कि सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल मीन्स चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ एंड सेल डिविजन्स. देन रिप्लेस करता है ओल्ड और डैमेज सेल्स को, रिप्लेस करता है, और न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. ओके बच्चे, सेल साइकिल को समझने के लिए यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं. एक को हम कहते हैं इंटरफेज और एक को हम कहते हैं माइटोटिक फेज. एंड माइटोटिक फेज इज ऑल्सो नोन एज माइटोसिस. सो हमारे पास जो सेल डिवीजन है, टू टाइप का सेल डिवीजन होता है, आपने क्लास 9th और 10th में भी बच्चे पढ़ा है. वन इज माइटोसिस एंड अदर वन इज मियोसिस. सो आज के इस लेक्चर में हम माइटोसिस देखेंगे, और हम देखेंगे कि जो माइटोसिस है उसमें जो पेरेंट सेल है वो कितने डॉटर प्रोड्यूस करेगा, कितने डॉटर सेल जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम डॉटर सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, सो जो हमारा सेल साइकिल है, बेसिकली उसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम इंटरफेज कहते हैं, और सेकंड पार्ट जो होता है उसको एम फेज भी बोला जाता है और माइटोटिक फेज भी बोला जाता है. सो यहाँ पर बच्चे जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो येलो पार्ट, जितना ये पार्ट आपको दिख रहा है इतना पार्ट, सिर्फ ये आपका एम फेज है. बाकी ये जो जितना ये फेज आपको दिख रहा है यहाँ तक, ये सारा इंटरफेज है. सो इंटरफेज क्या फेज होता है? इट इज़ द पीरियड
period between the end of one cell division to the beginning of next cell division. Cell division khatam hua, uske baad se next cell division tak jo sara phase aata hai, usko hum interphase kehte hain. Bacche, is interphase ko kai bari hum resting phase bol dete hain. लेकिन इसको हम रेस्टिंग फेज इसलिए बोलते हैं कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो हमने बोला कि सेल जो है वो रेस्टिंग फेज में है. बट अदरवाइज सेल इसमें रेस्ट नहीं कर रहा. इस समय सेल मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होता है और सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन. सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं. सेल अपने आप को नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी प्रेपरेशन कर रहा है. सो मेटाबॉलिकली जो इंटरफेज है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज होता है इन सेल साइकिल. ठीक है. सो इंटरफेज जो है, जो लाइक अगर जो हमारा सेल साइकिल है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 95% जो टाइम है वो इंटरफेज लेता है, एंड देन रेस्ट जो है वो हमारा एम फेज है, दैट इज माइटोटिक फेज. ओके. सो इंटरफेज जो है, दैट इज इंटरफेज इज द पीरियड ऑफ सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सेल स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम, अभी मैंने आपको बताया कि 95% टाइम जो है वो इंटरफेज में जाता है. अब इंटरफेस जो है, अभी मैंने बताया कि मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी यहाँ पे. तो इंटरफेस जो है उसमें क्या होगा, रैपिड ग्रोथ होगा, रेप्लिकेशन होगी. क्योंकि जब एक पेरेंट सेल है, तो एक पेरेंट सेल है, इस पेरेंट सेल ने अपने जैसे दो और सेल बनाने हैं एग्जैक्टली सेम. सो वो जो सेम सेल बनेंगे तो ऑब्वियसली जो पेरेंट सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो सारे सेम होंगे डॉटर सेल में, तो वो सारे जो हैं अपनी कॉपीज बनाएंगे. ठीक है. तो उनको बहुत, ये इसलिए बहुत सारी सिंथेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, बहुत सारी प्रेपरेशंस होंगी. तो डीएनए की कॉपी बनेगी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द सेल. तो सेल जो है वो डिवाइड करने से पहले अपनी तैयारी करेगा. ओके. जो बच्चे जो माइटोटिक फेज है, अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोटिक फेज जो होता है उसके में दो स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले, अब जब ये तो हमारा सेल के डिवाइड करने से पहले इंटरफेज हो गया, इंटरफेज के बाद जो सेकेंड फेज आता है उसको हम एम फेज कहते हैं या माइटोटिक फेज कहते हैं. सो माइटोटिक फेज में सबसे पहले क्या होता है, स्टेज वन न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. सबसे पहले सेल के अंदर क्या है, सेल का जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. तो माइटोसिस के बाद दो आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होंगे, ओरिजिनल सेल एग्जिस्ट नहीं करेगा. बिकॉज ये जो हमारा एक ओरिजिनल सेल है, ये ही सेल डिवाइड होके टू सेल्स बनाएगा. राइट. सो ओरिजिनल सेल्स ख़त्म हो गया और हमारे दो न्यू सेल्स जो हैं वो बन गए. सो ये सबसे पहले जो सेल का जो न्यूक्लियस है, सो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगी, दैट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके. यहाँ पर थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन है कि सेल साइकिल को कितना समय लगता है, टाइम कितना लगता है इस इवेंट को होने के लिए. सो टाइम इट टेक्स अ सेल टू कंप्लीट द सेल साइकिल, इट डिपेंड्स कि वो कैसा सेल है, उस सेल का नेचर क्या है. सेल साइकिल्स जो हैं, जैसे कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें कुछ मिनट्स ही लगते हैं, जैसे 6-8 मिनट्स, कईयों में ईयर लग जाते हैं. सो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सेल जो हैं वो कंप्लीट करते हैं सेल साइकिल इन 24 आवर्स. राइट. इसी तरह से कुछ सेल्स हैं वो बहुत क्विकली डिवाइड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइज्ड एग ऑफ द ज़ेब्रा फिश. तो ये ज़ेब्रा फिश है, तो ये जो है ये डिवाइड करती है, 256 सेल बना देती है इन 2.5 आवर्स में. सो सेल साइकिल का जो रेट है ये डिपेंड करता है कि सेल साइकिल फास्ट होगा, स्लो होगा या बहुत स्लो होगा. सो नेचर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के सेल्स जो हैं वो बन रहे हैं. सो ये हमारा एक डायग्राम है, सेल साइकिल है. बच्चे, हम अपने इंटरफेस और माइटोटिक फेस को पढ़ने से पहले यहाँ पर जस्ट एक इलस्ट्रेशन है. सो ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे ये आपको आर्क नज़र आ रही है, ये जो इतना फेज है बच्चे, ये हमारा माइटोटिक फेस है. और इसको भी हमने छोटे छोटे फेजेस जो हैं उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है. सो ये जो है बच्चे, इतना फेज जो है ये हमारा माइटोटिक फेस है. उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस है, क्योंकि माइटोसिस में भी मैंने आपको बताया कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. ठीक है. तो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं.
उसके बाद जो ये आपको 1, 2 and 3 आपको फेजेस नज़र आ रहे हैं, सो ये फेज जो हैं हमारे, ये इंटरफेज के आगे सब फेजेस हैं, और हम देखेंगे कि इसमें किस तरह की प्रेपरेशन जो है वो सेल करेगा, किस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी। ओके, सो नेक्स्ट हम इंटरफेज करेंगे स्टूडेंट्स। इंटरफेज में जो फर्स्ट फेज होता है उसे हम G1 स्टेज बोलते हैं। G1 स्टेज जो है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ। G1 इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज है। अब सेल ने, ऑब्वियसली एक सेल ने दो सेल बनाने हैं, तो ये जो फेज होगा, ये जो प्रेपरेटरी फेज है, इसमें सबसे पहले रैपिड ग्रोथ होगा। सेल ग्रो करेगा और अपने नॉर्मल फंक्शंस करेगा। मोस्ट सेल कॉन्टिन्यूस द सेल साइकिल। हाउएवर, ये बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको हम G0 भी कहते हैं, G0 भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल क्या होते हैं, वो इस G1 स्टेज के बाद नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे, S में या G2 में। लेकिन कुछ सेल ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो G1 स्टेज के बाद अपना जो ग्रोथ है वो स्टॉप कर देते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे। और इन सेल्स में क्या होता है, जो मतलब कि फर्दर उनका जो स्टॉप हो गया, इट मे बी अरेस्टेड एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे, तो वो ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। इसको हम G0 स्टेज भी कहते हैं या स्टेट ऑफ अरेस्टेड कंडीशन भी कहते हैं। मोस्टली जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं या आपके न्यूरॉन्स हैं या जो आपके ब्लड सेल्स हैं, वो जो हैं वो G1 स्टेज के बाद वो फर्दर ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। सो जो स्टेज ऑफ रेगुलेशन है सेल साइकिल की, वो G1 फेज है। तो G1 फेज के बाद हमने देखना है कि सेल के पास क्या ऑप्शन है, क्या सेल नेक्स्ट फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा और फर्दर डिवाइड करेगा, या उसका जो डिवीजन है वो अरेस्ट हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। सो वो जैसे कुछ सेल्स ऐसे हैं जो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, सो उसके बाद वो अपना डिफरेंशिएट करेंगे, अपना स्पेशलाइजेशंस लेके आएंगे, जैसे मसल सेल्स हैं, जैसे RBCs हैं, जैसे न्यूरॉन्स हैं, तो वो अपना जो ग्रोथ है, जो डिवीजन का प्रोसेस है, वो G1 फेज के बाद वो स्टॉप कर देंगे। ओके, उसके बाद बच्चे हमारे पास ये G1 फेज में हमने देखा कि सेल जो है वो कैसे अपनी तैयारी कर रहा है, ठीक है। सो उस सेल के अंदर इस समय क्रोमोसोम्स एक्सटेंडेड हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह पूल हो रहे हैं, बिकॉज एक सेल ने दो सेल्स बनाने हैं, ठीक है। तो सेल्स जो हैं अपना, सेल का आगे DNA RNA बनेगा, अमाइनो एसिड्स पूल हो रहे हैं, बिकॉज अमाइनो एसिड्स ने आगे जाके प्रोटीन्स बनाने हैं, सेल का साइज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिंथेसिस। देन उसके बाद इंटरफेज में सेकेंड स्टेज आती है जिसको हम S स्टेज कहते हैं। S स्टेज में क्या है कि जो सेल ग्रो करेगा और अपना DNA की कॉपी बनाएगा। तो सेल का जो सेल के अंदर क्रोमोसोम्स हैं या जो क्रोमेटिन है, वो ऐसे सिंगल स्ट्रैंड होते हैं लाइक दिस, और यहाँ पर इनके पास ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या होता है कि ये हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम है, ये देखो सिंगल स्ट्रैंड है। तो जब S आती है, S स्टेज में ये जो है DNA रेप्लिकेशन करती है, और क्रोमोसोम के पास ये 2 arms होती हैं, राइट। सो दीज आर द 2 arms ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि सेंटर में इसका सेंट्रोमियर है, और ये जो 2 arms हैं, इसका मतलब DNA रेप्लिकेट करेगा, और हर क्रोमोसोम के पास ये जो 2 हैं, इनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं, ठीक है। वाई दे आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज दे आर द 2 parts ऑफ द सेम क्रोमोसोम। अभी हमारा क्या हुआ कि जब S फेज आया तो DNA रेप्लिकेट करेगा और क्रोमोसोम जो है उसके पास सिस्टर क्रोमेटिड आ गया, और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं दे आर लिंक्ड। जैसे मैं इसको सिंपल अगर इस तरह से बनाऊंगी, तो क्रोमोसोम के पास 2 sister क्रोमेटिड्स आ गए, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, सो दैट इज़ नोन एज सेंट्रोमियर्स। सो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स को हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, राइट। सो दे आर द पार्ट ऑफ सेम क्रोमोसोम, सो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि जो सेल में जो DNA का अमाउंट है वो डबल हुआ। अगर सपोज करो कि एक सेल है और एक सेल में सपोज 3 chromosomes हैं, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं हुए, लेकिन हर एक क्रोमोसोम ने क्या किया, अपना अपना जो सिस्टर स्ट्रैंड जो है वो बना लिया। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो DNA का अमाउंट है वो डबल हो गया, ठीक है, लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है दैट रिमेन्स द सेम।
ओके देन उसके बाद बच्चे ये आपने मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. सो ये एक क्रोमोसोम है, उसने अपना सिस्टर बना दिया, तो ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है. जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड लिंक्ड हैं दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर. सो यहाँ पे जो है दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स जो हैं ये डुप्लीकेशन हो गया क्रोमोसोम्स का एंड दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. ओके देन उसके बाद हमारा जी टू स्टेज आएगा. बच्चे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेल साइकिल में किस स्टेज पे होता है. सो आंसर आपका क्या होगा कि ये एस फेज जो होता है इंटरफेज का और सिंथेटिक फेज जो है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड देन यू गेट सिस्टर क्रोमैटिड्स. देन नेक्स्ट आ गया जी टू स्टेज. जी टू स्टेज जो है अनदर फेज पीरियड है ग्रोथ का. इसमें सेल अपनी प्रेपरेशन करेगा, सेल जो है वो एनर्जी यूज करेगा टू कॉपी द डीएनए ड्यूरिंग द एस स्टेज. सो यहाँ पे सेल जो है अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है. ठीक है, सिंथेसिस हो रही है, स्टोरेज हो रही है. एनर्जी क्या है? एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं. आरएनए का सिंथेसिस होता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं या जो प्लास्टिड्स हैं या सेंट्रियोल्स हैं, सो उनका डुप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे. सो इसमें क्योंकि सेल ने अब माइटोटिक फेज में एंटर करना है, सो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड सेंट्रियोल्स इनका डुप्लीकेशन होगा. ओके सो ऑर्गेनल्स जो हैं अपनी रेप्लिकेशंस करेंगे बिकॉज एक सेल से टू सेल्स बनने जा रहे हैं, तो वो अपनी कॉपी बनाएंगे ताकि उनकी दोनों सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो सके. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनएज होता है, तो वो अपनी कॉपीज बनाते हैं. सेल प्रोड्यूसेस अदर ऑर्गेनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि कैसे अमाइनो एसिड्स पूल होते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके पास जो फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनएज एंड द डीएनएज. नाउ अब सब स्टूडेंट्स हमारा इंटरफेज ख़त्म हो गया. सो इंटरफेज में हमने जी वन फेज देखा, एस देखा एंड जी टू फेज देखा. उसके बाद सेल जो है अब हमारे नेक्स्ट फेज में एंटर करने जा रहा है एंड दैट इज़ नोन एज माइटोटिक फेज और दैट इज़ आल्सो नोन एज एम फेज. सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है कैरियोकाइनेसिस. जो माइटोसिस है उसमें दो चीज़ें होंगी. सबसे पहले बच्चे जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और दो आइडेंटिकल जो हैं आपकी न्यूक्लियाई बनाएगा. सो माइटोसिस में क्या होगा, ये जो हमारे पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस गिव्स ईच डॉटर सेल द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. दोनों डॉटर्स के सेल के पास सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आएगा और ये जैसे सेंटर में जो लाइन आपको दिख रही है ये शो कर रही है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो माइटोसिस में सेपरेट हो जाएंगे. सो जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है पहले सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. सो दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. राइट, सो जो माइटोसिस है स्टूडेंट्स, इट माइटोसिस के दो फेजेस क्या होंगे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. सो दिस इज साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और टू डॉटर सेल्स जो हैं वो फॉर्मेशन होंगे. ओके, माइटोसिस को हम डिटेल में स्टडी करते हैं. इसके लिए माइटोसिस को बच्चे हमने चार डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. सो ये चारों फेज जो हैं ये हमारे क्या होंगे, कैरियोकाइनेसिस के फेज होंगे. सो कैरियोकाइनेसिस जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसको हमने फोर फेजेस में अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको स्टडी करने के लिए कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस होंगे इनको हम फोर फेजेस में डिवाइड करेंगे. सो फर्स्ट फेज जो है दैट इज प्रोफेज. अब प्रोफेज क्या होता है, ये फर्स्ट फेज है. तो बच्चे हमने देखा कि जो हमारा सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस था, सो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होता है और जो हमारी क्रोमेटिन होती है वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, सो जब हमारा प्रोफेज होता है जो कि फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस का है, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो कॉयल्स फॉर्म द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं स्टूडेंट्स वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि क्रोमेटिन जो थी लॉन्ग थी, थिन थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, उसका वाटर लॉस होगा, तो जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़ा कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे. ठीक है, देन न्यूक्लियोलस जो ये मैंने डार्क स्टेन बॉडी बनाया सेंटर में, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी. स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर्स, और उसमें हमारे स्पिंडल फाइबर्स बनने शुरू होंगे. ठीक है, हम डायग्राम देख के समझते हैं स्टूडेंट्स.
सो ये आप देख सकते हो बच्चे, सबसे पहले तो जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमैटिन अभी हमें लॉन्ग थिन थ्रेड लाइक नहीं दिख रहा. सो क्रोमोसोम्स जो हैं, उन हर क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स बने हुए हैं और हर एक क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमैटिड है. न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो चुका है और ये जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी धीरे धीरे जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गई है. सो ये जो है क्रोमोसोम्स जो हैं कंडेंस और थिक हो गए हैं बिकॉज ऑफ दी डिहाइड्रेशन. मैंने अभी आपको बताया था डिहाइड्रेशन होता है और ये जो है शॉर्ट हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं. और उसके बाद बच्चे आपको ये जो है यहाँ पर आपको ये 2 सेंट्रियोल्स जो हैं दिख रहे हैं. मैंने आपको बताया था सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है, तो सेंट्रियोल्स के पेयर्स हैं जो कि दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ, दोनों साइड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, तो इसमें जो ये सेंट्रियल पेयर्स जो होते हैं उनके बीच में आप ये फाइन जो हैं एक तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके अंदर डेवलप होते हैं, रेज डेवलप होती हैं. इनको हम एस्ट्रल रेज भी कहते हैं जो कि एक स्टार शेप बॉडी लेटर ऑन बना देते हैं जिसको हम एस्ट्रल बोलते हैं. सो ये सब चीज़ें जो हैं जब सेल ने डिवाइड करना है तो फर्स्ट स्टेज होगी, तो इसको हम स्पिंडल फाइबर्स हम बोलते हैं स्टूडेंट्स. तो प्रोफेज जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेज. सो दिस डायग्राम इज़ वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी. सो यू कैन सी ये क्रोमोसोम्स जो हैं थिक हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, ठीक है, और अनटेंगल्ड हैं. देन उसके बाद हमारे पास ये सेंट्रियल पेयर्स हैं. सेंट्रियल पेयर्स जो हैं वो दोनों जो हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स और उनके अंदर जो हैं ये आपको फाइबर्स, प्रोटीनेशियस फाइबर्स जो हैं वो दिख रहे हैं. सो ये एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं. सो ये जो प्रोटीनेशियस माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये डेवलप होते हैं बिटवीन द 2 सेंट्रियल पेयर्स और ये जो स्टार शेप बॉडी बन रही है इसको हम एस्टर बोलते हैं और जो रेज हैं उसको हम एस्ट्रल रेज भी बोल सकते हैं. राइट नाउ सेकेंड हमारे पास सेकेंड स्टेज आएगी, दैट इज नोन एज मेटाफेज. सो मेटाफेज में अब क्या होगा स्टूडेंट्स, मेटाफेज जो जब मेटाफेज आएगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास वो और थिक हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे और सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को सेंटर में इक्वेटोरियल प्लेट पे, अब हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो वैनिश हो गया, न्यूक्लियोलस ख़त्म हो गया. तो इसमें जो क्या होता है कि जो हमारा सेल है स्टूडेंट्स, और सेल के सेंटर में ये इक्वेटर है और जो जो साइड्स होते हैं इसको हम पोल्स कहते हैं. सो ये जो इक्वेटर पॉइंट है सेल का, हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, एट इक्वेटर. ठीक है, और जब क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटर पे आते हैं और हर एक क्रोमोसोम्स जो हैं वो उनकी जो सेंट्रोमियर्स होंगी वो इक्वेटर पे होंगी और उनकी आर्म्स जो हैं वो दोनों पोल्स की तरफ होंगी. ठीक है, और ये जो होता है शॉर्टेस्ट फेज है माइटोसिस का और इसमें हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. सो ये हमारे जो 4 हमने क्रोमोसोम्स इनिशियली हम लेके चले थे ये लाइन अप हो गए हैं. ये कहाँ पे लाइन अप हो गए हैं, ये सेंटर में इक्वेटर पे, और ये जो पार्ट्स हैं जहाँ पे हमें एस्टर्स दिख रहे हैं ये पोल्स हैं. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स जो हैं, हर एक क्रोमोसोम्स जो है उसके पास जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर, अब यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ. तो ये जो आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ये क्या करते हैं, जो आपका क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम था हमारा और ये हमारा जो था, लेट मी ड्रॉ इट अगेन बच्चे. सो ये हमारा सेंट्रोमियर है और ये जो है हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स हैं, ये एक है और ये इसका जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड है. सो ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर आके जो है हमारे फाइबर्स जो हैं या क्रोमोसोमल फाइबर्स जो हैं वो अटैच होते हैं. यहाँ पर एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ बच्चे, जो सेंट्रोमियर होता है, सो लेट मी टेक सम अदर कलर. सो बच्चे जो सेंट्रोमियर होता है हमारा, सो सेंट्रोमियर के बाहर यहाँ पर इस जगह पर, ये जो डिफरेंट कलर से बना रही हूँ, सेंट्रोमियर के बाहर जो है एक डिस्क लाइक एरिया होता है, उस डिस्क लाइक एरिया को हम काइनेटोकोर कहते हैं, दैट इज़ नोन एज काइनेटोकोर. सो ये जो काइनेटोकोर है स्टूडेंट, यहाँ पर आके जो है हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो आपको स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे हैं ये कहाँ अटैच हो रहे हैं, जो सेंट्रोमियर्स के बाहर डिस्क लाइक एरिया है दैट इज़ काइनेटोकोर्स, वहाँ पे आके दीज आर द साइट्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स. सो मेटाफेज स्टेज है, क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए हैं इक्वेटर के ऊपर और इन समय इनकी जो आर्म्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और इनका जो सेंट्रोमियर होता है वो इक्वेटर पे होता है. राइट,
उसके बाद सो नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू. सर वन मोर डायग्राम शोइंग यू मेटाफेज. तो यहाँ पर आपको ये फाइबर्स दिख रहे हैं जो कि आके जो आपका काइनेटोकोर पॉइंट है, सेंट्रल जो पॉइंट है वहाँ पे अटैच हो रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स. सो ये एक मेटाफेज प्लेट है एंड दिस पॉइंट जो है दैट इज़ इक्वेटर्स, और ये जो अपोजिट हैं ये हमारे पोल्स हैं. ठीक है, ये पोल्स हैं और ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा इक्वेटर है. उसके बाद नेक्स्ट बच्चे ये एक्चुअल फोटोग्राफ्स हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स की जो कि मेटाफेज शो कर रहे हैं. सो दिस इज मेटाफेज इन द प्लांट सेल्स एंड मेटाफेज इन द एनिमल सेल्स. सो आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैसे इक्वेटर पे अरेंज हो गए. देन नेक्स्ट जो स्टेज आएगी दैट इज नोन एज एनाफेज. अब एनाफेज में क्या होगा कि जो सेंट्रोमियर है स्टूडेंट्स, ये शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन का होता है, 2-3 मिनट्स में हो जाता है. उसमें क्या होता है कि अब हमारे पास ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे. ठीक है, सो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सेंट्रोमियर है. सो सेंट्रोमियर्स जो है यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है. सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, दोनों का अपना खुद का सेंट्रोमियर्स बन गया. ठीक है, सो इस समय जो क्रोमोसोम्स होंगे, जो डॉटर क्रोमोसोम बने, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे. ऑपोजिट पोल्स की तरफ कैसे जाएंगे, उनके बीच में जो इंटरजोनल फाइबर्स डेवलप हुए हैं वो दोनों को खींच के दो डिफरेंट पोल्स पे जो हैं वो ले जाएंगे. ठीक है, सो क्रोमोसोम्स मूव करेंगे, सेंट्रोमियर्स जो होंगे वो पोल की तरफ होंगे और उनकी आर्म्स जो हैं वो पीछे की तरफ होंगी. लेट्स सी द डायग्राम नाउ, यू कैन सी दिस. सो ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं. तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए. सो ये इस तरफ के जो फाइबर्स हैं वो क्रोमोसोम को इस तरफ के पोल की तरफ लेके जा रहे हैं और इधर के फाइबर्स जो हैं वो इस तरफ के पोल की तरफ लेके जाएंगे. तो इस स्टेज पे क्रोमोसोम्स जो हैं कई बार हमें वी शेप नज़र आते हैं, कई बार जो हैं वो जे शेप नज़र आ रहे हैं. तो हर एक क्रोमोसोम का अब अपना सेंट्रोमियर है क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड कर चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट. सो ये एक्चुअल फोटोग्राफ है किस तरह से दोनों पोल्स पे जो है वो आपके जो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स का अपना सेंट्रोमियर है और दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं दे आर नाउ जस्ट दे आर मूविंग टूवर्ड्स द टू पोल्स. सो दिस इज एनाफेज. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है टीलोफेज. टीलोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स जिससे क्रोमोसोम्स जो हैं दोनों पोल्स पे गए वो डिसअपियर शुरू होने लग जाते हैं. क्रोमोसोम फिर से अनकॉइलिंग करना शुरू कर देते हैं एंड बिगिन टू अनकॉइल. क्रोमोसोम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बननी शुरू हो जाती है फिर से और दो आइडेंटिकल न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म होंगे. नाउ यू कैन सी, सो टीलोफेज जैसे ही स्टेज आया तो दोनों अब दोनों पोल्स पे पहुंच के अलग अलग पोल्स पे चले गए. तो उसके बाद में क्या होगा, उनका न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाता है. तो जैसे यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, तो यहाँ पर फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया, इधर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से बनना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो क्योंकि कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो रहा है, न्यूक्लियोलस फिर से बनना शुरू हो जाएगा. अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स जो है वो फिर से डीकंडेंस हो जाएंगे. ठीक है, फिर से वो क्रोमेटिन जैसे वो थ्रेड लाइक फाइन स्ट्रक्चर्स थे फिर से वो वैसे बनने शुरू हो जाएंगे और जो स्पिंडल फाइबर्स थे या जितने भी वो फाइबर्स उसको टू पोल्स पे लेके गए थे वो सारे फाइबर्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो और जो सेंट्रियोल्स जो थी हर एक पोल पे, दे आर ऑल्सो सराउंडेड बाय सेंट्रोस्फियर. तो वहाँ पे ये सब कुछ जो है वो टीलोफेज में होना शुरू हो जाएगा. सो ये टीलोफेज है, आप देख सकते हो कि एक सेल के अंदर किस तरह से दो सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है. अभी आपका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. सो अभी क्या है कि दोनों एंड्स पे जो हैं वो क्रोमोसोम्स जा चुके हैं, उनका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया और न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाएगा. सो एट द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस, तो अभी हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया. सो जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आएगा, दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. सो प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस जो है वो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में डिफरेंट होता है. एनिमल सेल्स में क्या होता है कि जब कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड कर चुके हैं, टू डॉटर्स बन चुके हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है अराउंड द मिडल ऑफ द सेल. ये देखो ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, तो उससे ये क्रीज बन गया, ये जो अंदर ये इस तरह से जो है क्रीज बन जाती है एंड दिस फरो जो है देन इट गेट्स डीपर एंड डीपर अंदर की तरफ जाती है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो कम्स टुगेदर एंड इट डिवाइड्स द सेल और सेल जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. सो फ्रॉम वन सेल वी गेट टू सेल्स, राइट. बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस है वो डिफरेंट तरीके से होता है. तो इसमें जो न्यू सेल वॉल बनता है, इट फॉर्म्स प्लांट सेल्स में वो
एनिमल सेल्स में बाहर से अंदर की तरफ गई है फरो, ठीक है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें जो न्यू जो सेल वॉल बन रही है या साइटोप्लाज्म जो डिवाइड हो रहा है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें प्लेट फॉर्मेशन होती है इन द मिडल ऑफ द सेल। तो आप देख सकते हो ऑर्गेनल्स कॉल्ड वेसिकल्स या छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, ये ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं दैट इज़ नोन एज सेल प्लेट। तो सेल प्लेट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ जो है वो ग्रो कर रही है और एक न्यू कंप्लीट सेल वॉल जो है वो बन गया और एक सेल से हमारे पास कितने सेल बन गए, टू सेल्स आर फॉर्म। सो इस तरह से हमारा जो एम फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। पहले उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और फिर उसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये देखो कंप्लीट सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो गया और फ्रॉम वन सेल यू गेट टू सेल्स। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज माइटोसिस? सो माइटोसिस हम ये कह सकते हैं कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट से टू डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। सेल इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि वन पेरेंट से टू डॉटर सेल बन रहे हैं और क्रोमोसोम नंबर इज केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर पेरेंट के पास 6 क्रोमोसोम नंबर थे तो डॉटर सेल्स के पास भी 6 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए थे, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ नहीं हुए। सो इसलिए हम जो माइटोसिस है उसमें डॉटर सेल हैव द सेम क्रोमोसोम एज द नंबर ऑफ द पेरेंट सेल। सो दैट्स वाई माइटोसिस जो है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। सो माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। So this is another diagram, students. Now, let's briefly discuss about the significance of mitosis. Mitosis मैं already आपको बता भी चुकी हूँ कि पहली बात तो ये है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक कॉन्स्टेंट रहता है, और दूसरी बात इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे वो जेनेटिकली सेम होंगे। जो पेरेंट का जेनेटिक मेकअप है वही डॉटर सेल का जेनेटिक मेकअप होगा। अगर ह्यूमन सेल के पास 46 क्रोमोसोम हैं तो जब वो सेल डिवाइड करेगा, न्यू सेल बनाएगा, तो उसके पास भी 46 क्रोमोसोम ही होंगे। दैट्स व्हाई माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ। अब जैसे एक न्यूली बॉर्न बेबी है वो ग्रो करेगा, क्रॉल करना शुरू करता है, फिर भागना शुरू करता है, ठीक है, फिर वो अडल्ट बन जाता है, अडल्टहुड में आता है। तो ये सारा कुछ सेल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, सेल ग्रो हो रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, और वॉर्न आउट और डैमेज सेल के रिपेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो माइटोसिस जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स फॉर रिपेयर। मैंने आपको इंजरी का बात बताया था, कई बार अपर एपिडर्मिस जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयर होती है। सो रिपेयर और रीजनरेशन में बहुत हेल्प कर रहा है। और जो लो फॉर्म्स हैं जैसे वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, सो माइटोसिस इज एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज माइटोसिस। वो बडिंग कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो है इस करके जो माइटोसिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट एंड फॉर द रिपेयर एंड फॉर रीजनरेशन एंड फॉर एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टूडेज लेक्चर। आज हमने अपने अपना सेल साइकिल का फर्स्ट सेल डिवीजन किया, दैट इज माइटोसिस which is equational division, and how the chromosome numbers remains the same in the parent and in the daughter cell. That's why the mitosis is called equational division, and we studied the mitosis in detail by just dividing it into different phases, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. And the mitosis involved two major phases. One is the division of nucleus, that is karyokinesis, and division of cytoplasm followed by this, that is cytokinesis. So that's all students, thanks for watching today's lecture, have a nice day.